सर लोगों को यहाँ सड़क पर योगा करवाया जा रहा था, कौन लोग थे, किस आशय से करवाया जा रहा है? कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए कुछ लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोक करके उन्हें समझाइश दी गई योगा के माध्यम से और शपथ के माध्यम से। योगा हम उस लेवल का करवा रहे हैं जिससे कि हमारी ऑक्सीजन क्षमता बढ़े और फेफड़े मजबूत हो, और जो शपथ है वो इसलिए कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें ताकि हम सुरक्षित रहें। तो आपको लगता है सर लाठी डंडों से बेहतर तरीका ये है? जी हाँ, बजाय हिंसात्मक तरीके से ये ज़्यादा बेहतर है, ये लोगों के समझ में आएगा और इसका प्रभाव और इसका असर जो है उनके घर परिवार और समाज में देखने को मिलेगा। सर लोगों को एक्सरसाइज करवाई जा रही थी, कौन ये लोग थे और किस आशय से किया जा रहा है? जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, काफ़ी केसेस हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तो इस कारण से जो कर्फ्यू का लागू किया गया है प्रदेश में और किसी तौर से ज़िले में, तो लोग कई लोग इसमें बिना कारण के अनावश्यक रूप से शहर में बाहर घूम रहे हैं, तो उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अनावश्यक आप ना घूमें, और जो नहीं घूम रहे हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर हम कार्रवाई के तौर पर उनसे हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग योगा के माध्यम से अपने आप को मजबूत करें और ये प्रयास करें अपने घर में रहें और घर के लोगों को योगा सिखाएँ। और इसमें लोग अपनी ओर से खुद स्वेच्छा से आगे बढ़ करके शपथ भी ले रहे हैं कि हम आइंदा नहीं निकलेंगे जब तक कर्फ्यू का पालन का टाइम रहेगा, कर्फ्यू का हम पालन करेंगे और घर पर रहेंगे ताकि कोरोना से हम लड़ सकें। क्या रेस्पॉन्स मिला पब्लिक का? जनता इसको स्वागत कर रही है कि जो हम स्वयं स्वीकार कर रही है कि हमसे गलती हो रही है, हम अनावश्यक घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर हमने कार्रवाई भी की, उनसे बात भी की, उनको मोटिवेट किया कि आप घर के अंदर रहें और समाज को और परिवार को सुरक्षित रखें।